हेलो फ्रेंड्स, आई एम टीजे एंड वेलकम बैक टू टीजे ईट्स। तो आज मैं आई हूँ मोहम्मद अली रोड पे यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने, क्योंकि रमज़ान का मंथ चालू है और रमज़ान के टाइम पे आप मोहम्मद अली रोड नहीं आए तो आप कहाँ आए। बिकॉज आपको पता ही होगा दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर देयर डिलिशियस मुगलाई कुजीन एट बजट फ्रेंडली रेट्स। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, मैं डायरेक्टली आपको मिलती हूँ फर्स्ट लोकेशन। तो सबसे पहले वी विजिटेड फेमस रेस्टोरेंट के सामने जो ठेले लगते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। यहाँ पे हमेशा बहुत भीड़ होती है, सो जब भी आओगे इनकी चीज़ें ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बहुत टेस्टी होती है। यहाँ पे हमें मिला मटन समोसा, मटन कटलेट, मटन कांडी, चिकन ड्रमस्टिक, चिकन लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप, चिकन हैदराबादी कबाब, चिकन चीज़ कटलेट, चिकन नान चाप, यू नेम इट, दे हैड एवरीथिंग ऑफ इट अवेलेबल, जो वो फ्रेशली बना के सेल कर रहे थे, एकदम गर्मा गर्म और एकदम टेस्टी। अगर आप वेजिटेरियन हो तो इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, जैसे कि नॉर्मल कटलेट्स हो गए एंड कबाब्स हो गए, अदर स्टफ़। लेकिन माई फोकस वॉज ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड बिकॉज आई वॉज हियर टू ईट दैट ओनली। वाओ, जस्ट लुक एट दैट ब्यूटिफुल थिंग्स, सो टेस्टी। देन वी विजिटेड बुरानपुर जलेबी सेंटर, जहाँ पे मावा जलेबी भी अवेलेबल थी 250 ग्राम्स जस्ट फॉर 100 रुपीज़, एंड मावा गुलाब जामुन भी अवेलेबल थे, बहुत ही टेस्टी। आई मीन ये खाओगे तो नॉर्मल जलेबी और नॉर्मल गुलाब जामुन तो भूल जाओगे। आफ्टर दैट वी विजिटेड दिल्ली फेमस असलम चिकन, जहाँ पे आपको चिकन टिक्काज मिलेंगे अलग अलग फ्लेवर्स में, पहाड़ी रेशमी एंड साथ में ये बैदा रोटी हो गई, चिकन रोल हो गया, एवरी थिंग वॉज अवेलेबल। एंड देन वी विजिटेड दिल्ली जायका बिरयानी सेंटर, जहाँ पे चिकन बिरयानी ये लोग सेल करते हैं, फ्रेशली बना के आपके सामने बनती रहेगी क्योंकि ये बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है, एंड द प्राइसिंग इज़ ऑल्सो रियली लो एंड द टेस्ट इज़ लाइक रियली ग्रेट एंड लुक एट दैट, सो यमी। उसके अलावा चिकन लॉलीपॉप्स थे यहाँ पे, प्राइसिंग स्टार्ट्स एट 120 टू 150 रुपीज़ फॉर 6 पीसेस। चिकन लेग पीस अवेलेबल था अराउंड 120 रुपीज़ के आसपास, सो लाइक रियली अफोर्डेबल स्टफ। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि मोहम्मद अली रोड वॉज टोटली पैक्ड, उधर इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना सेल कर रहे थे एट सच अफोर्डेबल रेट्स, प्लस वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मुझे वहाँ पे शूट करने की स्पेस ही नहीं मिली और टाइम भी नहीं मिला बिकॉज इट वॉज लाइक रियली क्राउडेड। और मैं संडे के दिन यहाँ पे आई हूँ तो यू कैन ओनली इमेजिन वहाँ पे कितनी भीड़ होगी। बट एनीवे, जो भी खाना था मैंने सब कुछ पार्सल ले लिया है एंड वन बाय वन मैं आपको फटाफट रिव्यू दे देती हूँ। सो गाइस, फेमस रेस्टोरेंट के सामने आपको दिखेगा एक बहुत बड़ी लाइन है जहाँ पे वो लोग आपको फ्रेश कबाब सेल करेंगे। वहाँ पे से मैंने दो चीज़ें ऑर्डर की, आप देख सकते हो, वन इज चिकन हैदराबादी कबाब एंड वन इज चिकन चीज़ कबाब। एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको नीचे बार में दिख जाएंगी, सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, दिस इज चिकन हैदराबादी कबाब, आप देख सकते हो, एंड दिस वन ओवर हियर इज चिकन चीज़ कबाब। सो लेट्स टेक अ बाइट। सो इनके साथ चटनी भी है, सो आई विल पुट दिस चटनी ओवर इट, इट्स नाइस मिंट चटनी। यस, लेट्स टेक अ बाइट। सबसे पहले चिकन हैदराबादी कबाब, लुक एट दिस गाइस, बाहर से एकदम क्रिस्पली फ्राइड है और अंदर एकदम चिकन विथ लॉट्स ऑफ पुदीना, यू कैन सी। अभी टेस्ट करके देखते हैं। वाओ, टेस्ट वाइज दिस इज़ नॉट स्पाइसी एंड इट इज़ अ लिटिल बिट ऑन द सॉल्टी साइड। इसके अंदर आप देख सकते हो उन्होंने पुदीना, ग्रीन चिलीज, लॉट ऑफ जिंजर गार्लिक, ये सारे एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स आ रहे हैं और इसमें कोई मसाला एज सच उन्होंने ऐड नहीं किया है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दिस इज़ टेस्टिंग रियली गुड। एकदम प्योर फ्लेवर्स आ रहे हैं, जस्ट चिकन, गार्लिक, चिलीज एंड पुदीना। सो आप यहाँ पर आते हो डेफिनेटली ट्राई दिस, इट्स रियली गुड। नाउ लेट्स ट्राई द चिकन चीज़ कबाब। Now chicken cheese kebab, just take a look here, oh my god, look at this cheese inside, एकदम भर भर के उन्होंने cheese डाला है, पूरी slice डाली आप देख सकते हो chicken के ऊपर, and इसके ऊपर की coating जो है red color की है which is probably made of eggs, so let's taste it.
वो क्या है। तो इस कबाब में सबसे अच्छी फ्लेवर मुझे चीज़ की आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली वो उन्होंने ऐड किया है। एंड चीज़ के अलावा इसमें भी उन्होंने ज़्यादा स्पाइसेस एज सच ऐड नहीं किए हैं। बेसिक स्पाइसेस है ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक, कोरिएंडर, एंड द फ्लेवर्स आर रियली गुड। आई मीन आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली ये भी ट्राई कीजिए, इट्स रियली गुड। आई विल टेल यू नाउ कि मैंने और क्या ऑर्डर किया है। सो गाइस, दिस इज़ चिकन नान चाप, आप देख सकते हो। ओ गॉड, इट्स लाइक बन के अंदर उन्होंने ढेर सारा चिकन का कबाब या वॉट एवर कबाब ही होगा, ये देखो एकदम कुक करके डाला है, साथ में उसके मसाले है। सो लेट्स टेक अ बाइट एंड सी ये टेस्ट कैसा करता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इसका जो बन है, उन्हें बहुत अच्छे बटर में फ्राई किया है दोनों तरफ से, सो इट्स लाइक रियली क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड। टॉकिंग अबाउट चिकन चाप, बहुत ही टेस्टी है। इसमें ना बहुत एक यू कैन से स्पाइसी एंड सार फ्लेवर है, तो व्हेन यू टेक अ बाइट यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट एंटायर फ्लेवर, प्लस ये ब्रेड का जो अलग फ्लेवर है, जो बटर का फ्लेवर है, एवरीथिंग कम्स टुगेदर रियली गुड और खाने में बहुत मज़ा आता है। ये एक पीस आप अकेले खाओगे आपका पेट पूरी तरीके से भर जाएगा, क्वान्टिटी भी बहुत अच्छी है। सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस चिकन नान चाप, इट इज़ लाइक अ न्यू आइटम हियर। दिस इज चिकन रोल, आप देख सकते हो, लुक एट दिस पीस, एकदम मस्त अंदर मैदे का रोल है, उसके अंदर चिकन की फिलिंग है और उसको बहुत अच्छी तरीके से ये लोग ने फ्राई किया है। तो लेट्स टेक अ बाइट आउट ऑफ इट। डोंट माइंड मी बींग सो मेसी गाइस, बट अभी क्या करें, व्लॉग तो शूट करना है। वाओ, दिस इज सो गुड गाइस। सबसे पहले बात तो चिकन रोल के अंदर एक ऑमलेट है, क्योंकि ऑमलेट की फ्लेवर आ रही है और उसके अंदर चिकन का फिलिंग है और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्राई किया। जब आप उसको बाय करोगे ना, इट विल बी वेरी क्रिस्पी फ्रॉम दी आउटसाइड। सिंस मैंने इसको पार्सल कराया, बाहर से थोड़ा वो सॉफ्ट हो गया है, बट द फ्लेवर्स आर रियली गुड। वाओ, मतलब एक रोल खाओगे आपका पेट पूरा भर जाएगा। तो चिकन की क्वांटिटी भी इसमें बहुत अच्छी है, यू कैन सी द ऑमलेट हियर एज वेल। सो दिस वॉज रियली टेस्टी एंड नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट डिश। सो गाइस, आप जैसे ही स्ट्रेट जाओगे आगे, आपको बेकर्स रॉयल शॉप के सामने एक कबाब वाले भैया दिखेंगे, जो बहुत ही कलरफुल और अमेजिंग कबाब्स फ्रेशली आपके सामने बनाएंगे। तो वहीं से मैंने लिया है चिकन पहाड़ी कबाब, लेट्स टेक अ लुक एट इट। हाँ, लुक कितना परफेक्टली इसको उन्होंने कोयले के ऊपर बनाया है, एकदम नाइसली मैरिनेटेड कबाब्स। सो गाइस, ये जो कबाब्स है, दे वर बिट ऑन द प्राइसियर साइड। ये इतना डिश आपको 150 रुपीज़ में मिलेगा, इनके पास बहुत अलग अलग वैरायटीज़ भी अवेलेबल है। सो इसे टेस्ट करके देखते हैं। उन्होंने कहा था कि दिस इज़ लाइक द स्पेशल वन विथ रियली गुड टेस्ट। वाओ, फ्लेवर की बात करूँ तो दिस इज़ नॉट टू स्पाइसी, इसके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। इसमें आपको जिंजर गार्लिक की फ्लेवर आएगी, जो इन्होंने बाकी के मसाले क्रीम एंड ऑल दैट इसको अप्लाई किया है, उसकी फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आएंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ एकदम परफेक्टली कुक्ड है ये, आप देख सकते हो। तो आप जैसे ही खाओगे आपको ज़्यादा चबाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिकन जब ज़्यादा कुक हो जाता है ना तो वो बहुत ही चूई हो जाता है, तो खाने में मज़ा नहीं आता। बट दीज पीसेज आर लाइक परफेक्टली मैरिनेटेड एंड दे आर टेस्टिंग सो गुड। सो इफ़ यू आर अ कबाब फैन, इनके यहाँ से कबाब ज़रूर ट्राई कीजिए, दे आर रियली गुड। एंड आई विल ईट दिस एंड आई विल जंप टू द नेक्स्ट डिश। सो गाइज, नेक्स्ट टू द प्रीवियस लोकेशन, देर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड दिल्ली जायका बिरयानी सेंटर। यहाँ पे आपको बिरयानी 1 kg सिर्फ 200 रुपीज़ में मिलेगी। मैं खुद सुन के शॉक हो गई, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में नॉर्मली 200 में आपको फुल प्लेट मिलेगा, लेकिन 1 kg 200 में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैंने इनसे बिरयानी खरीदी, यू कैन सी दिस फुल 1 kg मैंने ली है, उन्होंने फ्रेशली हमारे सामने बनाई। मैंने ऑर्डर की थी चिकन हैदराबादी बिरयानी, सो जल्दी जल्दी इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ है कैसी। लुक एट दिस बिरयानी गाइस, एकदम गर्मा गर्म है और इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे चिकन के पीसेस भी उन्होंने डाले हैं। ये 1/2 kg का एक बॉक्स है, सो लेट्स टेस्ट इट। सो गाइस, मेरे पास स्पून नहीं था तो मैंने जुगाड़ कर लिया स्पून का, सो लेट्स टेस्ट इट। बापरे, लुक एट दिस ब्रिलियंट पीस विच इज सो परफेक्टली कुक्ड, लेट्स टेक अ बाइट।
दिस इज़ सो गुड। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ज़रूर इनकी बिरयानी टेस्ट कीजिए। इनके पास अलग अलग वैरायटीज़ भी अवेलेबल है एंड आपके घर के लोगों के लिए भी ज़रूर लेके जाना, बिकॉज प्राइसिंग तो इसकी ज़बरदस्त है यार, 200 में 1 kg बिरयानी। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट डिश नाउ। सो नेक्स्ट आई ऑर्डर्ड फिरनी फ्रॉम मॉडर्न स्वीट्स। आप देख सकते हो इनकी पैकेजिंग, मैंने पार्सल करवाया था तो एकदम परफेक्टली पैक करके उन्होंने दिया है। लेट्स हैव अ लुक। सो गाइज, आई एम नॉट अ स्वीट फैन, बट इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसे है ये। लेट्स टेक अ लुक। तो बेसिकली दिस इज फिरनी विच इज़ अ पॉरिज मेड फ्रॉम राइस एंड मिल्क एंड दिस इज सो गुड। एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका, एकदम थिक है ये एंड रिच है। इसके ऊपर आपने देखा आमंड्स भी डले हुए हैं एंड एकदम प्योरली उन्होंने, मतलब इसमें और कुछ आपको मिलेगा नहीं। लाइक यू वोंट बिलीव कि राइस और मिल्क ये सारा मिक्स करके इतनी टेस्टी चीज़ बनाई जा सकती है। आप यहाँ पे आओगे आपको ये लाइक एंट्री करते ही दिख जाएगा, तो डेफिनेटली रुक के ये ट्राई करना, इट्स रियली ब्रिलियंट। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट डिश। लुक एट दीज अमेजिंग मावा जलेबीज। सो गाइज, नेक्स्ट प्लेस आई विजिटेड दैट इज दिस वन, बुरहानपुर जलेबी सेंटर। और यहाँ पे आपको जलेबी, गुलाब जामुन सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये होती है मावा जलेबी और मावा गुलाब जामुन, जो ऐसे ब्राउन कलर के दिखते हैं एंड दीज टेस्ट ब्रिलियंट। सो फटाफट लेट्स टेक अ बाइट। ओ गॉड, दिस इज सो गुड। आपने एक बार ये जलेबी टेस्ट की ना, यू विल नेवर गो बैक टू नॉर्मल जलेबी। मावा जलेबी फ्रेशली वो आपके सामने बनाते हैं और 100 rupees में आपको ये पाव किलो यानी कि ये पूरा बॉक्स मिल जाएगा। वेरी अफोर्डेबल फॉर द टेस्ट, मैं क्या ही बताऊँ। टेस्ट इज ब्रिलियंट, इट्स सो रिच। मावे से बनी है, आप देख सकते हो, जस्ट टेक अ क्लोजर लुक हाउ रिच एंड कोटेड विथ यू नो उनका जो शुगर सिरप होता है उससे। टेस्ट वाइज दिस इज़ अ 10/10। आप यहाँ पे आओगे डेफिनेटली ट्राई देयर जलेबी एंड गुलाब जामुन एज वेल। गुलाब जामुन की प्राइसिंग इज अराउंड 40 rupees पर पीस। इट्स रियली एक्सपेंसिव बट टेस्ट वाइज इट्स अमेजिंग। सो गाइज, आई होप आपको आज का हमारा मोहम्मद अली रोड का जो ब्लॉग है पसंद आया। आई नो वहाँ पे हम शूट नहीं कर पाए एंड फिर यहाँ पे बैक साइड आके हमको शूट करना पड़ा, बट आई होप यू एंजॉयड द डिशेज। आप डेफिनेटली यहाँ पे आओ और यहाँ का जो लजीज खाना है उसका आप लुत्फ़ उठाओ। यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुल एंड